वॉट इज अ फ्लोर प्लान एग्जैक्टली इट इज एक्चुअली लाइक आर्किटेक्ट्स अ प्लान ऑफ दैट प्लेस और दैट स्टूडियो इन विच वी मेक ऑल काइंड ऑफ प्रोडक्शंस ये असल में उस स्टूडियो जिसके अंदर ये सारा काम किया जाता है उसकी लंबाई चौड़ाई और हाइट का अंदाजा होता है उसकी एक खास हाइट के ऊपर एक चीज होती है ग्रिड ग्रिड के ऊपर होती है प्लेसमेंट सारी लाइटिंग्स की जो हम टॉपिक्स में डिस्कस कर रहे थे कि हुकअप स्टेज हुकअप स्टेज का मतलब यह है कि लाइटें जहाँ जहाँ हैंग करनी रही हैं कर है, वहाँ पे हुकअप कर दें अगर वो फ्लोर पे किस जगह चाहिए तो उसके लिए जो लाइटिंग डिजाइनर है वो स्पेशली उस पर मार्क कर देता है अब थोड़ा सा हम चलते हैं चार्ट देख लें कि फ्लोर प्लान की शक्ल क्या होती है ये हमने एक रफ सा प्लान बनाया हुआ है इसको अगर आप गौर से देखें कि ये बाउंड्री लाइन जो इस जगह पे बताती जा रही है जहाँ मैं लाल निशान लगाता जा रहा हूँ ये एक्चुअल स्टूडियो है जो इसमें क्रॉस करके दिखा दूँगा आपको कि ये एक्चुअली हमारा स्टूडियो स्पेस है फ़र्ज किया इधर से ये फोर्टी फीट है और इधर से एट्टी या सेवेंटी फीट है इसकी लंबाई और ये चौड़ाई ये है डिज़ाइनर को भी पता होता है प्रोड्यूसर को भी पता होता है उस सारे क्रू को भी पता होता है लाइटिंग डिजाइनर जो है इसको खास खासतौर उसका मेरीमेंट मेरी पता होती हैं क्योंकि उसने इसके रेफरेंस से इसके अंदर लगाना है अब इस सारे के अंदर जो मेन चीज़ आप देख रहे होंगे वो ये मोटी लाइन है एक तो बाउंड्री लाइन मैंने दिखा दी थी ये दीवार से कुछ फासले के ऊपर फासला छोड़ के नीले रंग में आप देख रहे होंगे कि लाइनें चल रही हैं ये ये फासला छोड़ दें आप सारा ये जो ब्लू रंग की ग्रिड बनी हुई है इसे हम कहते हैं लाइटिंग ग्रिड इस लाइटिंग ग्रिड के ऊपर लाइट्स लगती हैं अब जब लाइटिंग ग्रिड होती है इसको कुछ फासला यहाँ पे रखा हुआ फर्स क्या यहाँ पर चार फुट है यहाँ पे भी चार फुट है यहाँ पे भी चार फुट है यहाँ पे भी चार फुट है या छः फुट, फुट या आठ फुट वो डिज़ाइन पे डिपेंड करता है स्टूडियो के हिसाब से कि कितना बड़ा स्टूडियो है कितना रखेंगे ग्रिड का जब फासला हम ये तय कर लेते हैं तो आप उसके ऊपर काम करना शुरू करते हैं कि यहाँ पर मैं एक रफ़ सेट बनाने की कोशिश करता हूँ कि आपको पता लगेगा सेट कैसे होगा उन्होंने एक सेट लगाया हुआ है यहाँ पर ये उसका बैक वॉल है एक वॉल उसकी यहाँ पे है एक वॉल उसकी यहाँ पे है यहाँ सेंटर में उसने एक टेबल लगाई हुई है यहाँ पे एक चेयर है यहाँ पे एक वॉज है इसके, यहाँ पे एक पेंटिंग लगी हुई है यहाँ पे एक सोफा पड़ा हुआ है यहाँ पे एक स्टडी टेबल छोटी सी पड़ी हुई है जिसके ऊपर डेकोरेशन की चीजें पड़ी हुई हैं, ये हमारा एक जनरल सेट है ये प्रोड्यूसर ने स्क्रिप्ट से देख के जो सीन उसने करना है उसमें वो सारी स्टोरी उस पर बयान करता है वो उसको बताता है कि इसमें ये 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 एक्शन होगा अब जो वो एक्शन मार्क करता है कि जिसमें ये ये एक्शन होने हैं तो लाइटिंग डिज़ाइनर वो सारा सुनता जाता है वो कहता है जी कि यहाँ पे इसकी लेफ्ट साइड पे यहाँ इस डोर से एंट्री होगी और यहाँ बंदा चल के मेरा यहाँ पे पहुँचेगा यहाँ पे आके बात करेगा तो वो मार्क कर लेता है कि एक स्पॉट मेरा ये इंपॉर्टेंट है एक मेरा ये इंपॉर्टेंट है वहाँ पर उसे ये पूछता है कि यार ये जो दरवाज़ा खुलेगा आया इसके पीछे कोई और चीज़ दिखानी है तुमने या कॉरिडोर काट से अंधेरा है अगर तो प्रोड्यूसर की डिमांड है कि नहीं जी यहाँ पे एक कॉरिडोर है उसमें एक पेंटिंग लगी हुई है वो वॉज लगा हुआ है दिखाना है तो वो एक मार्क कर लेगा कि एक स्पॉट की लाइट यहाँ पे चाहिए होगी ताकि उसकी एंट्री भी जरा इस्टेब्लिश हो जाए और उसको वहाँ से बैक लाइट देने का भी चांस मिल जाए फिर वो बताता है कि ये बता बोल के बोलने के बाद यहाँ के सोफे बैठ जाएगा दूसरी एंट्री इधर से होती है और वो यहाँ पर आके खड़ा हो जाता है तो उसको मार्क कर लेगा कि यार इसकी एक की पोजिशन ये है और फिर ये दूसरा बंदा घूम के आके यहाँ पे बैठ जाता है अब उसने ये पोजिशनें मार्क कर ली हुई हैं इसके हिसाब से वो डिसाइड करेगा कि यार इसकी जो ये वाला बंदा यहाँ पे खड़ा हुआ है शूटिंग ये शूटिंग का एरिया ये वाला है कैमरे यहाँ पे होंगे अब वो मैं कह रहा था कि टी और फिल्म में फर्क यह है कि इसमें मल्टी कैमरा प्रोडक्शन होती है तो वो फिल्म का अगर होगा कि एक, एक सीन ये वाला लेना है तो वो कहेगा मेरा सिर्फ कैमरा यहाँ पे है मैं यहाँ से शूट करूँगा तो मैं लाइटिंग सिर्फ इतने से ही करूँगा कि जो यहां पे नजर आ रहा है इस वक्त लेकिन दूसरा कैमरा अगर मैंने यहां रखना है फिल्म के लिए करके कर शूटिंग करनी है तो आई विल अगेन चेंज और ये मैं इस बैक ड्रॉप को भी करूंगा लाइटिंग चेंज करूंगा उसके हिसाब से शॉट ले लूंगा टीवी में यह है कि प्रोड्यूसर के पास एक तो ये सारा ये खुला पड़ा हुआ है कैमरे के नीचे वीर लगे हुए हैं वो उसे कहता है ट्रैक लेफ्ट ट्रैक राइट जूम इन ट्रैक, ट्रैक इन ट्रैक आउट एंड गिव मी दैट शॉर्ट तो मेरा इसका मतलब है कि यहां से लेके इस इलाके तक मुझे ये उसका एरिया है तो कैमरा कहीं पे भी हो सकता है अगर कहीं पे भी हो सकता है तो वो शॉट कहीं से भी ले सकता है अगर वो शॉट कहीं से भी ले सकता है तो अब हमें लाइटिंग करने का तरीका ये होगा कि हम हर उस स्पॉट को करेंगे कि अगर ये यहाँ से देख रहा है तो ये बैकग्राउंड जो है मुझे लाइट करनी पड़ेगी अगर वो इस एरिया से शूट करता है तो मुझे ये बैकग्राउंड भी करनी चाहिए अगर वो यहाँ से भी शॉट ले रहा है तो मुझे ये बैकग्राउंड ये भी लाइट करनी पड़ेगी अगर उसने एंट्रीज यहाँ पे लेनी है पीछे वाली तो मुझे ये लाइट भी करनी पड़ेगी फिर उसके जो कैरेक्टर जो मेन बैठने जहाँ जहाँ पे इस पर बंदा अगर बैठ रहा है सेंटर के पोजिशन पे वो उसको यहाँ से भी शूट कर सकता है यहाँ से भी कर सकता है यहाँ से भी कर सकता है तो मैं डिसाइड करूँगा कि कर मेजर लाइट उसको यहाँ पर सोर्स कहाँ स्टैब्लिश करूँ सिर्फ यह कि सारे सीन पे जो लाइटिंग डिजाइनर है वो एक दफा तय कर लेगा कि जी लाइटिंग का जो मेन डायरेक्शन है फर्स्ट किया वो हम तय कर लें कि जी लाइट जो है उसकी लाइट सोर्स हमने इस्टेब्लिश कर दिया है कि सोर्स ये वाली है लेफ्ट से आएगी अब वो याद रखेगा कि मेरी जो लाइट का सोर्स है मेन की सारी वो की सारी इस तरफ आनी चाहिए यानी कि इसकी की इधर आ रही है इसकी सोर्स फर्क हो जाए इसकी सोर्स अब तय कर लिया कि सोर्स तय हो गई है फिर वो उस पर मार कर देगा कि जी इस वाले बंदे के लिए मेरी की यहाँ पे आएगी इस वाले बंदे की मेरी की यहाँ पे आएगी तो वो डायरेक्शन सारी बनाता जाएगा ये प्लान सारे जब कर देगा और उसके ऊपर नोट लिख देगा कि यह वाली यहाँ पे ये चाहिए फ्रेजनल चाहिए और बर्न डोर चाहिए वो टर्म्स हमने किए होते हैं टर्मिनोलॉजी जो मैं बात कर रहा था कि हम टर्मिनोलॉजी बताएंगे कि जो टर्म्स हैं वो क्या होते हैं शॉर्टकट में लिख देते हैं कि फ्रेजनल का वे एफ आर लिखेगा बॉन्डोर के लिए बी डी लिखतेगा और कह देगा कि मेन कैरेक्टर जो है वन है वो उसे मार कर देगा कैरेक्टर नंबर मेन मेन ये वाला है ये प्लान जब कंप्लीट हो जाता है लगता बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन जो लाइटिंग क्रू है हमारा ट्रेन हुआ होता है वो इसको पढ़ना शुरू करता है एक सिरे से उसको पता होता है ग्रिड नंबर ए ये वाली है एक दो तीन चार पाँच ये ए है ये बी है ये सी है ये डी है ये ई e है वो उसके हिसाब से तो बोलता जाएगा कि यार इस ग्रिड पे इस जगह पे आनी है वन पे या टू पे और ए पे आना है तो ये वाला स्पॉट निकल आएगा अगर वो थ्री बी कहता है तो स्पॉट ये निकल आएगा अगर वो फोर ई कहता है तो स्पॉट ये निकल आएगा वो लाइटें हुअप कर देते हैं अगली स्टेज पर हम देखते हैं कि हुकप के बाद क्या होता है इंस्ट्रूमेंट शेड्यूल हु ने कर दिया है अब इंस्ट्रूमेंट को ऑन करना लगाने के लिए कनेक्शन के लिए शेड्यूल होगा वो बता देगा कि कल तीन बजे से लेकर पाँच बजे तक हम इसको स्विचिंग करेंगे कनेक्ट करेंगे चेक चेक करेंगे कि लाइन अप करके वो आप रेडी कर दें जब ये सारी चीज़ें वो कर लेगा तो ये मैजिक शीट जो अभी बात की थी इस मैजिक शीट पे वो सेपरेट करके इंस्ट्रक्शन में आगे दे देगा कि सीन ए की शीट ये वाली है सीन बी की शीट ये वाली है मतलब डे एक पे है नाइट एक पे है उसमें कोई ड्रामे का और कोई फंक्शन है तीसरा है तो कर देगा ये वो शीट होती है जो बना के प्रोड्यूसर के हवाले कर देता है अपने क्रू के हवाले कर देता है कि जी जब प्रोडक्शन शुरू होगी उस वक़्त हम इस शीट के मुताबिक काम करते जाएंगे अब जब ये सारा काम हो गया अब वो ड्राई रिहर्सल शुरू होती है जो ड्राई रिहर्सल का मतलब है कि उस रिकॉर्डिंग की जो पहले की स्टेज है पहले तो ड्रामा जब कास्टिंग होती है वो प्रोड्यूसर सारी कास्टिंग कर लेता है कास्टिंग करके वो ब्लॉकिंग करता है कि जो किसी और स्टूडियो में निशान लगा के रफली प्लान में कि तुम यहाँ खड़े हो जाओगे तुम यहाँ बैठोगे तुम यहाँ से एंटर होगे तुम यहाँ से एग्जिट होगे उसे कहते हैं ब्लॉकिंग जब वो फ्लोर पे आ जाते हैं तो सेट भी असली लगा हुआ होता है लाइट होनी शुरू हो जाती है लाइट रफ होती है अभी जो लाइट की फाइन ट्यूनिंग नहीं हुई हो होती अभी जब वो ड्राई रिहर्सल करते हैं जिसमें वो फाइनल रिकॉर्डिंग करने से पहले कैमरे पर देखते हैं कि शॉर्ट ठीक बन रहे हैं कंपोजिशन ठीक हो रही है उस पर वो लाइटिंग डायरेक्टर जो है वो करता है फोकस कि लाइट को कितना लेफ्ट या राइट करना है ऊपर नीचे करना है फोकस करना है हार्ड करना है सॉफ्ट करना है जालियाँ डालनी है उसमें जेल डालनी है उसमें उसका कलर चेंज करना है या डिमर लेवल पे लेवल चेंज करना है बैलेंस करना है फिल ज़्यादा तो नहीं हो रही वो उसे कहते हैं फोकस सेशन फोकस सेशन जब हो जाता है सारा उसके साथ फाइनल रिकॉर्डिंग से पहले उसी में होता है लेवल सेक्शन लेवल सेशन जो वो डिमर को जो कंट्रोल दिए होते हैं कि जी आपने लाइट थर्टी परसेंट करनी है या लाइट सिक्सटी परसेंट करनी है या हंड्रेड परसेंट करनी है ये सेशन पहला वाला सेशन जब कंप्लीट हो जाता है इसके बाद रिकॉर्डिंग शुरू हो जाती है